जैसे कि अभी अभी आपने प्रीव्यू में ये इंस्टाग्राम की वायरल रील देखी है, और यहाँ पर भी मैं आपको अभी एक बार प्रीव्यू में दिखा देता हूँ। गाइस ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है। सो बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपके लिए इस वीडियो में इस रील का एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर के आ गया हूँ, फर्स्ट में बिल्कुल इजी मेथड। तो चलिए चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन की तरफ। बट अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं आपके लिए डेली वायरल से वायरल रील्स की एडिटिंग लाकर रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन की तरफ। सो अब देखिए गाइज, मैंने अपनी फोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इसका नाम पिक्स आर्ट है। जैसे कि सभी के फोन में ये ऐप होता भी है, नहीं है तो आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल आपको मिल जाएगा और आईफोन में ऐप स्टोर में, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इस ऐप पिक्स आर्ट को जो है ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट एडिटिंग कर लेता हूँ। स्टार्ट एडिटिंग करने के बाद सिंपली गाइज आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉलेज का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और ग्रिड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो अब मैं यहाँ पर अपने 4 फोटोज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर अपने 4 फोटोज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो फोटो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, आपको भी अपने 4 फोटो ही सेलेक्ट करने हैं ओनली, ओके। सो एक फ़ोटो मैं यहाँ पर एक ये और यहाँ पर मैं 4 फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। सो मैंने 4 फोटो सेलेक्ट कर लिया, मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमें 4 वाला देखना है। सो 4 वाला हमारा ये कि यहाँ पर ये है। सो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। नीचे आपको रेशियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें चूज़ करना है स्टोरी वाला रेशियो। स्टोरी पर क्लिक कर देते हैं ये। उसके बाद नीचे बॉर्डर पर क्लिक करना है। बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद इसके बॉर्डर को हम 0 कर देते हैं, ठीक है। जीरो करने के बाद यहाँ पर आप सेव को ऑप्शन देख रहे हैं, हम इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से होने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस 4th वाले फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। रिप्लेस जैसे ही आप क्लिक करोगे तो रिप्लेस पर क्लिक करना है। यहाँ से मैं ऑल फोटोज़ पर आता हूँ और यहाँ पर एक सर्च का आपको बार मिल रहा है, सिंपली सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं ब्लैक सर्च कर लेता हूँ और ब्लैक बैकग्राउंड पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये ब्लैक हो जाएगा। मैं इसको छोड़ करके फिर से इस इमेज को यहाँ से सेव कर लूँगा। सेव कर ली, अब मैं इस फोटो पर क्लिक करूँगा, 2nd वाले फोटो पर, इसको भी मैं ब्लैक में रिप्लेस कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैंने 1st वाला ब्लैक में रिप्लेस किया था। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी मेरा ब्लैक हो चुका है। अब फिर से मैं इस इमेज को यहाँ से सेव कर लूँगा, हो गया। अब मैं इस फोटो पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर एक ब्लैक वाला फ़ोटो जो है ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर लूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सर्च कर लिया, फिर से मैं इसको यहाँ पर सेव कर लूँगा, ओके। देन सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली जो है गाइज आपको अपने फ़ोन के अंदर कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, इन शॉर्ट या फिर VN ऐप। मैं VN ऐप से एक आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। ये भी आपको आईफोन में ऐप स्टोर से और प्ले स्टोर से अवेलेबल मिल जाएगा एंड्रॉयड में, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर मैं अकाउंट के ऑप्शन पर जाता हूँ। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा प्रीफ्रेंसेस का, आपको इस पर क्लिक करना है और ऊपर आपको मिलेगा डिफॉल्ट फोटो ड्यूरेशन, मैं इस पर क्लिक करूँगा। करने के बाद मैं इसकी ड्यूरेशन कर लेता हूँ 0.45, ठीक है, 0.45 में कर लेता हूँ या 44 कर लेना, ओके। मैं इक्वल कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए 43-44 आपको कर लेनी है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये देखिए गाइस मैंने इसको 44 कर लिया, बस आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद बिल्कुल बैक आ जाते हैं हम। अब आप हम यहाँ पर सिंपली इधर प्लस पर क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। वही फोटो हमें यहाँ पर ऐड करना है। फर्स्ट फोटो हमें कौन सा ऐड करना है, सिंगल वाला, फिर डबल फोटो वाला, फिर ट्रिपल फोटो वाला, फिर चारों फोटो वाला, ओके, ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद लास्ट में इसका एक छोटा सा वाटर मार्क आएगा, इस पर क्लिक करके हम इसको डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद गाइज अब मैं इसमें एक साउंड ऐड कर लेता हूँ। कैसे ऐड करनी है, सिंपली यहाँ पर टैप टू ऐड म्यूज़िक पर क्लिक करना है और म्यूज़िक पर क्लिक करते हैं। अगर आप एंड्रॉयड में VN ऐप चला रहे हो तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो का ऑप्शन आता है, वहाँ से आपको वो वीडियो ऐड करनी है। मैं सिंपली यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करता हूँ, ओके पर। देन एक 6 सेकंड का वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। मैंने उस चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। और ये जो इंस्टाग्राम की वायरल रील है, इस रील की लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उसी साउंड पर अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो और इंस्टाग्राम से रील डाउनलोड कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर फर्स्ट ऊपर चॉइस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नीचे राइट पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं प्ले करके देखता हूँ एक बार। सो आपने देखा हमारी जो रील है वो काफ़ी अच्छी बन रही है। बट अब हमें यहाँ पर क्या करना है गाइस, देखिए हमने 4 फोटो ऐड किया है, ये देखिए।
ठीक है। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है इसमें गाइस, सिंपली हमने इन चारों फोटो पर फर्स्ट स्टार्टिंग में आते हैं, फोटो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फिल्टर्स का ऑप्शन मिलेगा, इस फिल्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको फिल्म वाला ऑप्शन मिलेगा, ये FILM फिल्म पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो इफेक्ट आपको अच्छा लगता है F5, F6, F7 वो लगा सकती है। मैं सिंपली F5 लगा लेता हूँ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नीचे मिलेगा अप्लाई टू ऑल, मैं अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। अब इसके बाद मैं जब फिर से यहाँ पर प्लस पर क्लिक करता हूँ और फोर फोटो वाला अपना एक फोटो और ऐड कर लेता हूँ जो कि मेरा कलर फोटो है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है अब मैं प्ले करके देखूंगा। ठीक है अब उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर क्या करूँगा, वही प्रोसेस हमें अपने पिक्सार्ट में जाना है। अब जो हमने यहाँ पर क्या किया था, मैं इसको बैक कर लेता हूँ, ये देखिए बैक हो गया। अब हमें इस फोटो पर क्लिक करना है, पहले हमें जो है बिल्कुल बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से हमें अब हमें क्वालिस पर क्लिक करना है, ग्रिड पर अब अपने हमें चेंजिंग वाले फोटो ऐड करने हैं, मतलब जो फोटो हमने यहाँ पर पहले से ही कॉलेज कर रखे हैं वो फोटो ऐड नहीं करने हैं, अब हमें कोई दूसरे फोटोज ऐड करने हैं। ओके सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने कौन सा फोल्डर खोल लिया, ये हाँ ये गाइस यहाँ पर मैं ये फोल्डर खोल लिया है। अब मैं यहाँ पर अपने दूसरे फोटो ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि एक ये यहाँ पर चार फोटो ऐड कर लिए, फिर से वही प्रोसेस है गाइस इसका, थोड़ा ऐड आता है यहाँ पर, आपको वेट कर लेना है। ये देखिए फिर से यहाँ पर वही प्रोसेस है, फोर फोटो पर क्लिक करेंगे और रेशियो पर क्लिक करके इसका स्टोरी कर देंगे, बॉर्डर पर क्लिक करके ज़ीरो कर देंगे, यहाँ पर फिर से वही इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से गाइस रिप्लेस करके ब्लैक फोटो ऐड कर लेंगे इस पर। अगर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो गाइस काफ़ी ज़्यादा लेट हमारी वीडियो काफ़ी ड्यूरेशन की हो जाएगी, तो मैं स्पीड इसकी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ओके सो गाइज मैंने यहाँ पर फिर से वही फोटो ऐड कर ली है, उसी तरीके से हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले फोटो पर क्लिक करना है और फिल्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर से हमें फिल्म वाले ऑप्शन पर जाना है। और जाने के बाद गाइज अब हमें क्या करना है, सॉरी फिल्म वाले ऑप्शन पर F5 पर हम क्लिक कर देते हैं, F5 पर क्लिक करेंगे अप्लाई टू ऑल। ओके अब आप सोचेंगे कि हमारा फर्स्ट वाला जो हमने कलर फोटो लिया था ये भी ब्लैक हो गया, तो इस पर क्लिक करना है, फिल्टर्स पर जाना है और स्टार्टिंग में आना है रिसेंट पर, और रिसेंट पर आने के बाद पर ओरिजिनल कर देना है इसको हमें। ठीक है बस इसी फोटो को ओरिजिनल करना है, फिर राइट पर क्लिक कर देना है, लास्ट में आना है, प्लस पर क्लिक करना है और फोर फोटो हमें फिर से वही वाले फोटो जो हमने कलर वाले फोटो है ये ऐड कर लेना है। ठीक है बस अब देखिए हमारी वीडियो कैसी बनी है। ठीक है अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारा कलर वाला फोटो है इस फोटो की ड्यूरेशन हमको यहाँ पर बढ़ानी है। ठीक है इस फोटो की हमें ड्यूरेशन जो करनी है गाइज 1.60 सेकंड ही करनी है, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा कलर वाला फोटो है 1.60 सेकंड की ड्यूरेशन करनी है। अब इस कलर वाली फोटो की ड्यूरेशन हम इतनी कर लेंगे जितनी हमारी वॉल्यूम है, ये देखिए गाइज। अब देखिए मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूं, बिल्कुल कंप्लीट हमारी वीडियो जो यहां पर बन चुकी है। सो आपने देखा प्रोफेशनल तरीके से हमारी वीडियो यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब आपको इसे गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एरो पर क्लिक करना, बट अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। आपको बता मैं आपके लिए डेली वायरल से वायरल रील्स की एडिटिंग लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब आपको ऊपर एरो पर क्लिक करना है और विदाउट किसी प्रॉब्लम की आपकी गैलरी के अंदर ये वीडियो सेव हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू